बकाया वेतन और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर ठेका कामगारों का जन विकास कामगार संघ के अध्यक्ष पप्पू देशमुख के नेतृत्व में शुरू डेरा आंदोलन की कामगारों ने राज्यपाल को अपने खून से पत्र लिखे। 7 महीने का बकाया वेतन और न्यूनतम वेतन की मांग के लिए पिछले 115 दिनों से चंद्रपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के 500 के करीब ठेका कामगारों का जन विकास कामगार समूह के अध्यक्ष पप्पू देशमुख इनके नेतृत्व में डेरा आंदोलन शुरू है। आंदोलनकर्ता कोरोना योद्धा कामगारों ने 2 जून से दोपहर के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन्हें स्वयं के खून से पत्र लिखा। पिछले 11 महीने से कामगारों को वेतन नहीं मिलने से उन पर भूखे मरने की नौबत आई है। चंद्रपुर के वैद्यकीय महाविद्यालय में निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पिछले 12 महीने से नए ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की गई है। ठेकेदार न होने पर ठेका कामगारों की ओर से कोरोना आपदा में काम करा लिया गया, लेकिन ठेकेदार न होने से कामगारों का वेतन किसकी ओर से दिया जाए यह सवाल निर्माण हुआ है, जिससे कामगारों का 7 महीने का वेतन बकाया है। शासन की पूर्व अनुमति लेकर 562 ठेका पद के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के 12 महीनों के बाद नए ठेकेदार को काम के आदेश देते समय निविदा के 355 ठेका पद्धति के पद किसी भी ठोस कारण न होने पर कम किए गए। 562 पद के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद केवल 207 पद के लिए ठेकेदार को काम दिया गया, जिससे आंदोलनकर्ता कामगारों पर भूखे मरने की साथ ही बेरोजगारी की भी आपदा आई है। वेतन की मांग की ओर अनदेखी की जा रही है, जिससे हम जीवन जिए तो कैसे जिए, क्या हमने आत्महत्या करनी चाहिए, ऐसा संतप्त सवाल कर 7 महीने का बकाया वेतन, न्यूनतम वेतन और हक का रोजगार, इन मांगों के लिए डेरा आंदोलन के सैकड़ों कामगारों की ओर से खून से पत्र लिखकर और स्वाक्षरी कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन्हें पत्र लिखा गया। कामगारों के जान की हानि होने पर वैद्यकीय शिक्षण विभाग के मंत्री साथ ही भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सदोष मनुष्य वध के साथ ही एड्रेस सिटी प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत अपराध दर्ज करने की मांग भी आंदोलनकर्ताओं ने इन पत्र के जरिए की। इस समय जन विकास कामगार संघ के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने इस आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट की। 7 महीने का बकाया वेतन मांगने के लिए मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के 500 के करीब ठेकेदारी कामगार यहाँ पर पिछले 4 महीने से डेरा आंदोलन कर रहे हैं। 11 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सौरभ विजय, डायरेक्टर डॉक्टर तात्याराव लहाने, चंद्रपुर के मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मोरे, डॉक्टर हुमने, इन सभी लोगों ने एक जो गलतियाँ की, जो भ्रष्टाचार किया, उसकी वजह से ठेकेदार की नियुक्ति करने में 10 महीने का समय लगा और जिसकी वजह से आज इन कामगारों को 7 महीने का बकाया वेतन नहीं मिला है। 11 महीने से इनके घर में एक भी रुपया नहीं गया है। आज इन सभी कामगारों ने अपने खून से इस राज्य के महामहिम राज्यपाल को अपने खून से खत लिखा है और राज्यपाल साहब से पूछा है कि हमने जीने का कैसे, हमने खुदकुशी करने की क्या, और अगर हमारे जान को कुछ कम ज़्यादा होता है बकाया वेतन की वजह से, तनाव की वजह से, आर्थिक चिंता की वजह से, तो सदोष मनुष्यवध का गुनाह इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ और राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख जी के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सदोष मनुष्यवध तथा एट्रोसिटी कानून के अनुसार गुनाह दाखिल करना चाहिए, ऐसी मांग करते हुए और थकित बकाया वेतन की मांग करने के लिए आज हमारे कामगार ने यहाँ पर माननीय महामहिम राज्यपाल जी को खून से लेटर लिखने का आंदोलन यहाँ पे किया है।